वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीएससी और बीटेक के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीक्वेंस और सीरीज़ के ऊपर कंपैरिजन टेस्ट। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं एक बेसिक वीडियो बना चुका हूँ सीक्वेंस और सीरीज़ पर, आप उसको पहले देख लेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, अपन टेस्ट क्यों लगाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? सपोज करते हैं लेट समेशन यू एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म का ये सीरीज है। इसके कन्वर्जेंस के बारे में अपन जानेंगे। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये क्या है, नोटेशन में अपन सीरीज लिखे हुए हैं, समेशन यू एन, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन प्लस यू एन एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटिव। ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको पता करने के लिए, कंपैरिजन टेस्ट से अपन जानने के लिए क्या करते हैं, एक नया सीरीज लेते हैं जिसके कन्वर्जेंस की जानकारी अपने को पहले से रहती है। अपन एक ऐसा सीरीज लेंगे कंपैरिजन टेस्ट में, इसका कंपेयर करेंगे एक ऐसे सीरीज के साथ जिसका कन्वर्जेंस अपने को पहले से पता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसका कन्वर्जेंस अपने को पहले से पता है। अब आप कैसे जानेंगे, हम तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, कैसे दूसरा सीरीज को आप सपोज कीजिएगा। तो पी सीरीज टेस्ट एक अपने पास है, पी सीरीज टेस्ट, इससे आप जान सकते हैं कि जो भी सीरीज आपने लिया है यू एन के रिस्पेक्ट में वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। पी सीरीज टेस्ट से आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि समेशन वन अपॉन एन टू द पावर पी, अपने पास एक सीरीज है वो ऐसा लिखा, वन अपॉन वन टू द पावर वन प्लस वन टू द टू टू द पावर पी वन प्लस थ्री टू द पावर पी एंड सो ऑन, ठीक है। ये कन्वर्जेंट होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन, और ये डाइवर्जेंट होगी यदि पी इज लेस देन इक्वल्स टू वन। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि एक कंपेरिजन टेस्ट में एक सीरीज के कन्वर्जेंस होने की, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको पता करने के लिए हम एक दूसरे सीरीज से कंपेयर करेंगे जिसका कन्वर्जेंस अपने को पहले से मालूम हो, और यदि ऐसा अपने को मिल जाए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल्स टू फाइनाइट फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तब अपन उसके ऊपर कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। जब यू एन अपॉन वी एन करने से फाइनाइट और नॉन जीरो आता हो इसका रिजल्ट, तब अपन कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। उस समय वी एन यदि कन्वर्जेंट होगा, इस सीरीज की सहायता से अपन चेक कर लेंगे वी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। यदि वी एन कन्वर्जेंट होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, वी एन डाइवर्जेंट होगा तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन टेस्ट में अपन ये देखते हैं। पर कंपैरिजन टेस्ट का वर्किंग मेथड देखिए, वर्किंग रूल, इसमें अपने को एक सीरीज यू एन का कन्वर्जेंस चेक करना है, कन्वर्जेंस चेक करना है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसका अपन कंपेयर करते हैं एक ऐसे एक सीरीज वी एन से जिसका कन्वर्जेंस अपने को पहले से मालूम है, जिसका कन्वर्जेंस अपने को पहले से मालूम है। यदि इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन बराबर फाइनाइट और नॉन जीरो रिजल्ट आता है,
तब ही हम कन्वर्जेंस एक कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। यदि ये कंडीशन फुलफिल करती है तभी अपन कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो अपन कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते। यू एन कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है इसको अपने को पता करना है, तो इसका कंपेयर अपन एक ऐसे सीरीज से करते हैं जिसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस अपने को पहले से ही पता हो। तो उस समय में यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन वी एन फाइनाइट नंबर और नॉन जीरो आता हो तो यू एन और वी एन जो है एक साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है। वी एन यदि वी एन कन ये तो आपको पहले से मालूम है कि वी एन कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। यदि वी एन कन्वर्जेंट इस ऐसा होने के बाद यदि वी एन कन्वर्जेंट होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, और वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, 1/1 × 2 × 3 3/2 × 2 × 3 × 4 5/3 × 4 × 5 so on। ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ये अपने को पता करना है। तो सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म यू एन निकालेंगे। यू एन इक्वल्स टू आप 11th में पढ़ चुके हैं nth टर्म कैसे निकालते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला है इससे nth टर्म निकालते हैं, जिसका फर्स्ट 1 है 3 है ए 5 है, ये 1 3 5। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एन माइनस 2, तो ये हो जाएगा इसका nth टर्म 2 एन माइनस 1। तो जो न्यूमरेटर है उसका nth टर्म 2 एन माइनस 1 आ गया, और इसमें देखिए ये 1 है 2 है 3 है 4 है, तो nth टर्म n होगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है 3 है 4 है, तो इसी मेथड से आप निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 प्लस एन माइनस 1 2 3 4, मतलब 1 का ही डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा n प्लस 1, ये आ गया n प्लस 1। इसी फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो, और इसमें क्या निकलेगा 3 4 5, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, d हो गया 1, तो n माइनस 1 इंटू डी 1 हो गया, तो ये आ जाएगा n प्लस सॉरी ये आ जाएगा n प्लस 2, इसका n टर्म आ गया n प्लस 2। ये यू एन अपन ऐसा निकालेंगे 1 3 5, तो n टर्म क्या होगा, ये हो गया 2n माइनस 1, इसका n टर्म हो गया, और डिनोमिनेटर का n टर्म क्या हो जाएगा n n प्लस 1 n प्लस 2, ये n टर्म हो गया। अब अपने को वी एन निकालना है कि वी एन क्या होगा, तो वी एन निकालने का एक तरीका है, कंपैरिजन टेस्ट से बना रहे हैं तो यू एन इसका कन्वर्जेंस अपने को निकालना है, तो क्या करते हैं इसका कंपेयर एक ऐसे सीरीज के साथ करते हैं जिसका कन्वर्जेंस अपने को पहले से पता हो। तो अपन क्या करेंगे, वी एन सपोज करेंगे, तो वी एन कैसे निकालते हैं देखिए, उसको भी निकालने का एक आइडिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम एन को आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से एन को बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या बचेगा 2 - 1/n। यहाँ से n को बाहर निकालेंगे तो n ही है, यहाँ से n को बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से n को बाहर निकालेंगे तो n क्यूब हो गया, यहाँ से n को बाहर निकाले तो 1/1 + n हो गया, यहाँ से n को बाहर निकाले तो 1 + 2/n हो गया। अब देखिए ये न्यूमरेटर में हाईएस्ट n को बाहर निकाल दिए, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट n को बाहर निकाल दिए, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है n, ये आ जाएगा यू एन इक्वल्स टू 1, ये देखिए यहाँ से मैं इसको इस साइड लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा यू एन को मैं फाइनली लिखता हूँ, यू एन इक्वल्स टू यहाँ न्यूमरेटर में हाईएस्ट एन को कॉमन निकाल लिए, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट एन को कॉमन निकाल लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों को आप ये कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n² न्यूमरेटर में बचेगा 2 - 1/n और ये बचेगा 1 + 1/n और ये बचेगा 1 + 2/n। ये जो हाईएस्ट n का पावर बचता है ये कोफिशियंट को छोड़ करके जो भी n के टर्म्स बचते हैं उसको अपन वी एन लेते हैं, लेट वी एन इक्वल्स टू 1/n² ये आपका वी एन है। ये सीरीज जो है
वी एन हो गई, है ना। ये वी एन लेने का तरीका है, वी एन इक्वस टू ये जो एन मैक्सिमम एन बचता है, ये जो इसके फैक्टर है इसको छोड़ दीजिए, है ना, जो एन के टर्म्स बचते हैं वो वी एन हो गया। और ये सीरीज जो लेंगे आप वी एन की, तो ये हो जाएगा समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर। तो पी सीरीज टेस्ट से आप देखेंगे कि ये जो है पी सीरीज टेस्ट से समेशन वन अपॉन एन टू द पावर पी, तो पी जब वन से ग्रेटर होता है तो कन्वर्जेंट होता है, यहाँ टू जो है वन से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट होगा। लेकिन इससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अपने को पहले से पता चल गया है कि ये कन्वर्जेंट होगा, पी सीरीज टेस्ट में आपको पहला वीडियो में बताया हूँ। ये पी सीरीज टेस्ट से यदि यहाँ पी की वैल्यू जो है वन से ज़्यादा होती है तो यह क्या क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ ये टू जो है वन से ज़्यादा है तो ये कन्वर्जेंट है। लेकिन इससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन टेस्ट यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पास, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट अपन कंडीशन देखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू जो है क्या आनी चाहिए, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो ये जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन आपके पास क्या है, 2 माइनस वन बाई एन, ये हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर। और ये है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसके बदले में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की जो वैल्यू है ये लिख लेता हूँ, 2 माइनस वन बाई एन अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस वन बाई एन, ये 1 प्लस टू बाई एन, ये हो गया डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ये वन अपॉन एन स्क्वायर आएगा तो एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये एन स्क्वायर बाई वन आ जाएगा, एन स्क्वायर कट जाएगा, एन बराबर आप इन्फिनिटी पुट कीजिए तो वन बाई इन्फिनिटी जो होता है ये जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ वन आएगा ये जीरो हो जाएगा। तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की जो वैल्यू मिलेगी ये टू मिलेगी आपको, टू ये जीरो, ये वन इंटू वन बाई वन, ये टू मिलेगा विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज़ फाइनाइट फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ऐसा करने से ये क्लियर हो गया कि इसका रिजल्ट जो है फाइनाइट और नॉन जीरो आ रहा है, मतलब हम यहाँ पास कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज यू एन एंड सीरीज वी एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे, बट समेशन वी एन मतलब क्या है, वी एन आपके पास क्या है, समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, पी सीरीज टेस्ट क्या कहलाता है, समेशन वन अपॉन एन टू द पावर पी, व्हेन पी इज ग्रेटर देन वन, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो हियर 2 इज ग्रेटर देन 1, सो सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट, सो दैट सीरीज यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो गई। क्योंकि वी एन कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आपको, तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।